दोस्तों, अगर आप भी राहुल द्रविड़ को एक बेहतरीन कोच मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज खेल रही है, जिसका पहला मुकाबला भारतीय टीम 6 विकेट से जीत गई है, जिसके बाद दोनों ही टीमें दूसरे मुकाबले की तैयारी में लग गई हैं। और इसी बीच भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है और अपनी टीम में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिन बदलावों को सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं राहुल द्रविड़ ने अपनी टीम में किन किन खिलाड़ियों को मौका दिया है। लेकिन उससे पहले, भारत का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर कौन है, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज खेल रही है, जिसके पहले मुकाबले को भारतीय टीम ने 6 विकेट से जीत लिया और दूसरे मुकाबले की तैयारी में लग गई, जहां दूसरा मुकाबला भारतीय टीम 18 फरवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेलेगी, जिसके लिए राहुल द्रविड़ ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है और अपनी टीम में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें अपनी प्लेइंग 11 में ओपनिंग करने के लिए रोहित शर्मा को रखा है, क्योंकि वो इस टीम के कप्तान है और उनका प्रदर्शन लगातार ही बेहतरीन होता जा रहा है। तो वहीं उनका साथ देने के लिए ईशान किशन अगले मुकाबले में खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि पहले मुकाबले में उन्होंने बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और इसके साथ ही तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली की जगह श्रेयस अय्यर को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने लगातार ही भारतीय टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और श्रेयस अय्यर IPL में भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं और उन्हें विराट कोहली की जगह मौका दिया जा सकता है, क्योंकि विराट कोहली लगातार ही बहुत ही बेकार प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले समय में विराट कोहली की जगह श्रेयस अय्यर को आजमाया जा सकता है। और मध्यम क्रम में बल्लेबाजी के लिए सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आएंगे और ये दोनों ही खिलाड़ी लगातार भारतीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और आगे भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा ऑलराउंडर के तौर पर वेंकटेश अय्यर खेलते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने पिछले मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन किया और मैच को महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में छक्का लगाकर खत्म किया, जिससे लगने लगा कि हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट भारतीय टीम को मिल गई है और तेज गेंदबाज के रूप में दीपक चहर के साथ हर्षल पटेल खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इन दोनों ही खिलाड़ियों ने पिछले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया और इस मुकाबले में फिर से बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी तरफ इन दोनों ही खिलाड़ियों के साथ शार्दुल ठाकुर भी गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ये गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी करने में भी दम कम रखते हैं और स्पिनर के रूप में यजुवेन चहल और रवि बिश्नोई खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इन दोनों ही खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन पिछले मुकाबले में किया और रवि बिश्नोई ने महत्वपूर्ण 2 विकेट झटक कर अपना डेब्यू मैच यादगार बना दिया और मैन ऑफ द मैच से सम्मानित हुए थे। और इसी प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम दूसरे T20 मुकाबले में खेलते हुए दिखाई देगी और जीत भी दर्ज करना चाहेगी। दोस्तों, आपके हिसाब से दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।